माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में मुझे एक पुरोहित का गवाही सुनने के लिए मिला, बहुत ही सुंदर गवाही, मुझे मेरा हृदय इतना स्पर्श किया। वो पुरोहित जब नया नया पुरोहिताभिषेक उनका हुआ, कुछ ही महीनों के अंदर की बात है, वो अपने पल्ली में मिसा अर्पित करने के लिए गया। वहां का पल्ली पुरोहित ने उन्हें निमंत्रण दिया, जो फर्स्ट होली मास नहीं इसके बाद के किसी दिन उनको, जो नया नया पुरोहित था तो उनको उनके पल्ली में बुलाया मिसा अर्पित करने के लिए। और मिसा अर्पित करने के बाद पुरोहित ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया, आओ भोजन कर लो। तब ये फादर ने बोला, नहीं मैं थोड़ा घर जाना चाहूंगा, हो सकता है मेरा मम्मी कुछ बनाकर रखा है, तो मम्मी के हाथ से खाना खाकर काफी दिन हो गया, तो इसलिए मैं मेरे घर जाकर के मम्मी के हाथ से खाना खाऊंगा बोल करके ये फादर सीधा अपने घर जाते हैं। घर गया, मम्मी से बोला, मम्मी भूख लग रहे हैं और मुझे जल्दी वापस जाना है, कुछ है तो दे दो। हाँ बैठो बेटा बोल करके वो इंतजार कर रहे हैं, मैं आ रहा है सोच करके, कुछ स्पेशल सब बनाया होगा सोच करके। तो देखा तो फादर बोल रहा है, वही साधारण भोजन था, केवल एक अंडा कुछ भुजिया कुछ ऐसा बना कर रखा है। तो उन्हें दुख लगा, वो सोचने लगे, अरे कम से कम फादर के पास खाना खाने से कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाया होगा, मुझे बुलाया तो वहां नहीं खाया, ये सोच करके उन्हें दुख भी लगा बोलता है। तो फादर चुपचाप माँ का हाथ से बनाया हुआ है, हाँ 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 बोल करके वो बैठ करके खाना शुरू किया। तब माँ आकर के पास में सामने टेबल के सामने आकर के बैठ गया, तब भी फादर को लगा, हाँ कुछ तो गदर है, अन्यथा माँ इस प्रकार आकर के कभी बैठते नहीं। और उस पुत्र की ओर देख करके वो बैठे रह ली। तो माँ से बेटे ने पूछा, क्या बात है माँ, क्या है आप मुझसे ऐसा गौर से देख रहा है, क्या है आप ऐसा मौन है। तब माँ धीरे धीरे बोलने लगी, बेटा तुम सोचेंगे मीट नहीं है, मच्छी नहीं है, नहीं 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 माँ ऐसी बात नहीं है, मेरे को अंडा पसंद है, ये सब बोल करके मम्मी को थोड़ा कुछ करने के लिए वो प्रयत्न किया। तब माँ ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम्हें ये अंडे के विषय में मालूम है, इस अंडे में क्या क्या गुण है आपको मालूम है, एक अंडा प्रतिदिन खाना चाहिए ताकि इसके द्वारा अनेकों पौष्टिक चीज आपके शरीर में आएगा। बेटे ने हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोज मैं एक अंडा खा लूंगा माँ, ऐसे ऐसा बोलने लगी। इसके बाद फिर से वो थोड़ी देर और चुप रही और फिर से बोलने लगी, बेटा इस अंडे के विषय में मुझे और कुछ बात बोलना है, मैंने इस अंडे को आज तुम्हारे लिए भुजिया बना करके दिया, यदि अंडा मैंने कुछ नहीं किया, अंडा ऐसा रखा गया, कुछ दिनों के बाद इसका क्या हालत होता है। बोला वो खराब हो जाएगा तो क्या फेंकना पड़ेगा। तब
इस बेटे को एक घटना याद आया। ये मां जो चिक्स के लिए, चूजों के लिए अंडे को रख करके जो मुर्गी को गुरनी बिठाना ये बोलता है, उसके अंडे के ऊपर मुर्गी आकर के बैठते हैं। ये माँ इनके बचपन में, फादर के बचपन में इस प्रकार अंडों को रख करके जो मुर्गी के नीचे रख करके जो गुरनी बिठा करके 21 दिन के बाद चूजे बाहर निकलते हैं। कई इस प्रकार चूजे मिलता था और कुछ अंडे जो दूर दूर पड़े रहता है वो अंडा सड़ जाता था। इसके बाद माँ इनके हाथों में उन अंडे को देता था और ले जा करके कहीं दूर ले जा करके गड्ढा खोदना और उसके अंदर डाल करके ढकना और उसके ऊपर पत्थर रखना ताकि कोई कुत्ता बिल्ली आकर के उसको ना निकाले, क्योंकि उसका बदबू बहुत ज्यादा है। एक अंडा अगर सड़ गया वो बदबू बहुत देता है। तो माँ ने इस बेटे को याद दिलाया घटना। आपको मालूम है ना, यदि एक अंडा सड़ गया है उसका क्या हालत होगा। बेटे को सब घटना, बचपन का वो घटना याद आया। इतना अधिक बदबू पास में भी नहीं रख सकता। जब बेटे ने हाँ 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 बोल करके वो घटना सब याद दिया, तब माँ अगले पॉइंट बोला, बेटा एक पुरोहित भी इस प्रकार है। जब तक वो अच्छा है दूसरों के लिए कृपा आशीष का पात्र है, दूसरों को वो शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, आशीष देगा, कृपा देगा, क्या क्या नहीं दे सकता एक पुरोहित जब तक अच्छे हैं, पवित्र है। यदि वो एक दिन सड़ जाएं, बेटा इसके बाद क्या बदबू। पूरा पुरोहिताई समाज को, पुरोहितों को ही एक के कारण सबों का निंदा करता है। इसलिए वो मां उस दिन आंसू बहा करके उस बेटे से कहा, बेटा उस अंडे के समान कभी सड़ने नहीं देना, कोई दाग कोई बदबू ऐसा ना आवे। उस मां के सामने उस पुत्र ने उस दिन वादा किया, मैं अपने को सड़ने नहीं दूंगा, पाप में नहीं गिराऊंगा, नशे में, वासना में या अन्य लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज में डालकर मैं अपने को सड़ाऊंगा नहीं, नष्ट नहीं करूंगा। आपके सामने एक पवित्र जीवन जीकर जीने वाले एक पुरोहित बनकर रहूंगा। ये कहानी, कहानी नहीं एक घटना, जिस पुरोहित में जान रहा हूं उस पुरोहित को बहुत ही पवित्र जीवन जीने वाला एक पुरोहित, उनका गवाही है मेरे मां के कारण मैं कभी सड़ने नहीं दिया, मैं उस अच्छे अंडे के समान आज तक जी रहा हूं, दूसरों को शक्ति देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, कृपा आशीष का कारण बनकर मैं रह रहा। आज मैं इस क्लास को लेने का, चाहे पुरोहित में मुझे सुन रहा हो, चाहे धर्म बहन मुझे सुन रहा हो, चाहे एक विवाहित व्यक्ति सुन रहा हो, सबों के लिए है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं। उस पुरोहित का उस उदाहरण सुन करके मेरे हृदय को भी स्पर्श किया। जब तक हम अच्छा जीवन जी रहा है हमारे घर में शांति रहेगी, जब तक हम अच्छा प्रार्थना का, भक्ति का जीवन जी रहा है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे संतान में, हमारे माता पिताओं में वो ईश्वरीय प्रेम का वो खुशबू रहेगा। स्तोत्र ग्रंथ 133 मुझे याद आ रहा है, वहां पर स्तोत्रकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक गीत गाया। स्तोत्र ग्रंथ 133 भ्रातृ प्रेम के विषय में वो स्तोत्र है। केवल 3 शब्द है उसके अंदर। सबसे पहला वाला में वो
भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुगत है। क्रिस्तीय लोग एक साथ रहना, एक हृदय एक मन होकर के रहना, मेरा ये कलीसिया तेरा ये कलीसिया, इस प्रकार कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा कर करके एक दूसरे का विरोध करने वाला नहीं, बल्कि भाईचारा में यदि दोनों में एक ही आत्मा है, एक ही क्रिस्त का फॉलोवर है, तो एक बनकर के रहने की जरूरत है। अपना अपना कलीसिया बनाना छोड़ देना चाहिए। दूसरा, यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दने तक उतरता है। सुगंधित तेल जिस प्रकार हमारे घर को सुगंधित बनाना चाहिए, खुशबूदार बनाना चाहिए, जहां भाईचारा है, जहां प्रेम है, जिस कलीसिया में एकता है, जिस मसीह की कलीसिया में ये सुगंध फैलाने वाला होना चाहिए। सुगंधित तेल हमारे ऊपर उंडेला है, सुगंध फैलाना। एक और है वाक्य 13:3 में, हर्मोन पर्वत की ओस के समान है जो सियोन की पर्वतों पर उतरती है, प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन यदि आपको और मुझको चाहिए, मुझे इस भ्रातृ प्रेम में रहना है। जहां भ्रातृ प्रेम है, जहां एकता है, इसलिए मसीह ने प्रार्थना किया, ये पिता जैसे हम एक है वैसे ये सब एक हो जाए। 40,000 गुटों में बंटने के लिए प्रभु ने नहीं कहा, तुम जाकर के अपना कलीसिया बनाओ, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने एक कलीसिया बनाया, क्या आप उस एक कलीसिया का सदस्य है? किसने आपकी कलीसिया को बनाया? कई लोग इस प्रकार भटक गया है, नष्ट हुआ है। यदि मुर्गी के नीचे रखा हुआ अंडा उस मुर्गी के नीचे से थोड़ा हट जाएगा, नहीं मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, ये अंडा 21 दिन के बाद फूटेंगे नहीं, सड़ेंगे। जो कलीसिया मसीह के उन पंखों के शरण स्थान के नीचे है, पेत्रुस को अपना कलीसिया का मुख्य माना है, संत पापा के अधीन रहने वालों कलीसिया, वही चूस बन करके सदा सर्वदा रहने वाला संतान के रूप में निकलेगा। हमें इस प्रकार रहने की जरूरत है, सड़ने वाला उस अंडे के माफिक नहीं। कुछ लोग बोलते हैं वहां पर भी तो बाइबल सिखाते हैं, यहां पर भी बाइबल सिखा रहा है, वहां पर भी तो मसीह है, मसीह के विषय में बोल रहा है। मेरे पास एक 500 का नोट है, 500 का नोट, ये कुछ वर्ष पहले से, देखो कभी फोल्ड भी नहीं किया है, मैंने उसको मशीन से लिया, बैंक में कुछ कार्य के लिए मैंने जमा करने के लिए लेकर गया तुरंत। वहां पर बैंक वालों ने उस नोट को पलटा पलटा करके देखने के बाद बोलता है, इसके बाद तुरंत उन्होंने क्या किया देख लीजिए, कट कर दिया। इसके बाद बोला है ये गलत है, वहां लिख भी दिया। क्यों है? ये सरकारी नोट है, ये गलत नोट नहीं है, ये क्यों? सरकार ने कुछ सीमित समय दिया था, मेरे ख्याल में 2007 में कुछ नोटों को, उससे पहले का नोटों को विड्रॉ किया था, ये नोटबंदी की घटना नहीं है, उससे पहले, ये 2007 के बाद उससे पहले जो विड्रॉ हो चुका था वो नोट एटीएम मशीन से निकल करके आया, उसको लेकर के गया, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एटीएम से निकला जरूर होगा, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, तुरंत वो कट कर दिया, नियम के अनुसार नहीं है, ये सरकार का है। लोग बोलेंगे यहां पर भी तो बाइबल ही सिखा रहा है, यही बाइबल इस कलीसिया में भी सिखा रहा है, अच्छी तरह सिखा रहा है, हमें समझ में आ रहा है, वहां पर गाना गाने में या तालियां बजाने में ये सब हमें आनंद आ रहा है, इसलिए हम वहां सीखने के लिए जा रहा है। यही हालत है, सरकार का नोट, गांधी जी का फोटो है, जो कुछ उसमें चाहिए सब कुछ है, लेकिन
सरकार का नियम के अनुसार नहीं है, हट गया। ये नोट हटने के बाद इसको उपयोग नहीं हो सकता। कलीसिया ईसा मसीह ने एक स्थापित किया, हट करके जीवन नहीं होना चाहिए। उस मां ने बेटे से कहा, बेटा यदि अंडा एक बार सड़ जाए इतना बदबूदार हो जाएगा, इसको सड़ने नहीं देना। जिस कलीसिया में रहने के लिए प्रभु ने सिखाया उस कलीसिया में रहना। जिस बाइबल को 73 किताबों का बाइबल कलीसिया में 2000 साल से चल रहा है, इसके लिए इस 73 का जो बाइबल से कुछ बाइबलों को, कुछ किताबों को निकाल करके बाइबल बना करके अपना मनमर्जी से सिखाने वाले, मेरे बुद्धि में जो समझ में आया उसको सिखाने वाले, उसको सुन करके ये हालत नहीं बनाना। 500 का नोट जो सरकार का अनुमति नहीं है वो गलत नोट है, नकली नोट। असली नोट बनकर रहने के लिए सरकार के नियम के अधीन रह करके उपयोग करने वाला होना जरूरी है। ये नकली नोट ना बने। नकली नोट जो संत पापा के अधीन से जो दूर गया, अनेकों लोग मेरे को टिप्पणी लिखते हैं, फोन से बोल रहा है, कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहा है। मैं आप लोगों को बचाने के लिए बोल रहा हूं। ईसा मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उससे बाहर निकलेंगे उस अंडे के माफिक सड़ जाएगा, पाप में जा रहा है। प्रभु ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करने नहीं दे रहा है। पाप स्वीकार संस्कार प्रभु ईसा मसीह ने ठहराया, वो संस्कार नहीं मिल पा रहा है। इस प्रकार एक ही बपतिस्मा है, बार बार बपतिस्मा करवा रहा है। इस प्रकार का ये जो गलत शिक्षा देने वाले नहीं बनो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उस मां अपने पुत्र पुरोहित पुत्र को सिखाया, सड़ने नहीं देना बेटा, गलतियों में पाप में गिर करके बदनाम नहीं करना। हमारे क्रिस्तीय जीवन भ्रातृ प्रेम का जीवन है, प्रेम का शिक्षा देने वाला, प्रेम से रहना सीखेंगे। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से जुड़ कर रहने का निर्णय कीजिए। इस कलीसिया जो शिक्षा देती है, बस हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, जीवित रहने के लिए इतना काफी है। ज्यादा सीखने मत जाइए। जितना कैथोलिक कलीसिया से मिल रहा है आपके लिए उतना काफी है, और उस कलीसिया से जुड़े रह करके सेवा कीजिए, प्रेरिताई कीजिए, जैसे मैं करता। मैं भारत देश के विशेषकर हिंदी बेल्ट में अधिकतर जगहों पर जा चुका, दे रहा हूं वचन, दे रहा हूं शिक्षा, दे रहा हूं। इस कलीसिया से जुड़े रह करके एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी रहा हूं। सड़ने नहीं देना, स्वयं ना सड़ना और दूसरों को बदबू नहीं देना, गलत शिक्षा नहीं देना। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं, प्रभु उन सभी लोगों को आशीष दे, कृपा दे। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करता हूं, घर में शांति आने के लिए प्रार्थना करता हूं, नशे के बंधन से, पाप के बंधन से और यहां वहां भटकने से प्रभु आपको बचाए, रोगियों को चंगाई मिले, हरेक घर में शांति होवे, परिवार मिलकर के रोज एक घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, संभवत प्रतिदिन की मिस्सा बलिदान निर्णय कीजिए। इस नए साल में हम लोगों ने निर्णय किया था उस प्रकार जीने का।